विकासखंड प्रतापपुर कमैचा के घमा के नवनिर्वाचित प्रधान विपिन कुमार करुणा शंकर तिवारी ने किया शपथ ग्रहण। सुल्तानपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद प्रधान और सदस्यों सहित पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष की शपथ ग्रहण कार्यक्रम शासन द्वारा कोरोना के चलते रोक दी गई थी। शासनादेश जारी होने के बाद ग्राम पंचायतों के सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया गया। इसी क्रम में 65 ग्राम पंचायतों में से सैकड़ों ग्राम पंचायत सदस्य अपने चिन्हित स्थानों पर एकत्रित होकर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नेतृत्व में शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। सुल्तानपुर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पैदल गश्त पर निकली पुलिस। यूपी के सुल्तानपुर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस ने गश्त किया और लोगों को जागरूक किया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने तथा घर से न निकलने की नसीहत दी। सुल्तानपुर एसपी डॉक्टर विपिन मिश्र के निर्देश पर पुलिस सक्रिय हो गई है। देर शाम सीओसीटी राघवेंद्र चतुर्वेदी व बधुआ कला थाना प्रभारी प्रवीण यादव के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने पैदल गश्त किया। इस दौरान मिलने वाले लोगों को इस महामारी में सुरक्षित रहने की अपील भी की गई। लॉकडाउन के प्रति चांदा पुलिस सख्त। सुल्तानपुर जनपद के चांदा पुलिस लॉकडाउन के प्रति पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। चांदा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कृष्ण मोहन सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर लॉकडाउन का अनुपालन करा रही है। पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना अति आवश्यक कार्य के घर से बाहर न निकले, लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन करें ताकि क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में सहायता मिल सके। लमुआ में समाजवादी रसोई की हुई शुरुआत। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए सभी समाजवादियों को आगे आने के आह्वान पर सपा नेता धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू भट्टा ने लमुआ में समाजवादी रसोई की शुरुआत की। सपा नेता श्री सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में लॉकडाउन होने के कारण गरीब और जरूरतमंदों को खाने के लिए संकट बना हुआ है। उसी संकट को दूर करने के लिए हम समाजवादी कदम आगे बढ़ाए हैं और पूरे विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में समाजवादी रसोई के माध्यम से लोगों को भोजन उपलब्ध कराते रहेंगे। इसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे जनपद में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी रसोई कार्यक्रम चलता रहेगा। और अब समाजवादी पार्टी के हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश पर हम लोग गांव-गांव जगह-जगह जहां उचित है पीएसीज पर जरूरतमंदों को गरीब व्यक्तियों को भोजन कराने के लिए समाजवादी रसोई का ये उद्घाटन किए हैं और उसी के माध्यम से प्रतिदिन भोजन गरीबों को उपलब्ध कराएंगे।